4.5 लाख एस्टिमेट बनाए थे, 14 लाख पहुंचा दिए, 3 दिन वेंटिलेटर पे डर रखे हैं, उसके बाद पैसा मांग रहे हैं, मैदानता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता है इस समय इंडिया में हर डिपार्टमेंट में एक आध करप्ट लोग रहते हैं। जैसे कि ये वीडियो है मेरे पास, अभी मैं आगे लगा दूंगा, उससे पहले कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए और आप भी ऐसे चीज़ों से अलर्ट हो जाएं ताकि आने वाले टाइम पे आपके साथ ऐसा ना हो। जैसा कि मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ का नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। एक आदमी लेके आता है एक मरीज को, कुछ पैसे की बात होती है, 4-5 लाख रुपए का कि इतना लगेगा, हो जाएगा सही। एडमिट करने के बाद में कई दिन वो एडमिट रहता है बंदा, और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है, ये लोग बचा नहीं पाते हैं। ये बात सही है कि जब मौत लिखा है, अल्लाह ने लिख दिया, भगवान ने लिख दिया, तो कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन डॉक्टरों का काम है कोशिश करना, बाकी सब अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बात ये है कि पैसे की बात है लेन देन में। अब जितने में बात हुआ था पैसे का, उससे ज्यादा पैसे ले लिए, उसके बाद में आदमी भी खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी ये लोग पैसे की जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि और पैसा दीजिए। आप लोग साफ साफ वीडियो में देखेंगे, अभी आगे लगा दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा भी इंसानियत जिसके अंदर है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पूरा डिपार्टमेंट को गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में एक आध गलत लोग रहते हैं जो कि वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, सामने वाले की चाहे जान जा रही हो या कुछ भी हो। इंसान नाम की कोई चीज नहीं है, आदमी का बॉडी है। ये लोग उनके घर वाले हैं जो कह रहे हैं हमें बॉडी दीजिए, वो बॉडी नहीं दे रहे हैं कि हमें आप और पैसा पे कीजिए, जबकि जितने में बात हुआ था उससे ज्यादा पैसा लग चुका है और आदमी बचा भी नहीं, खत्म हो गया, फिर भी ये लोग पैसे की जिद किए हुए हैं। आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सभी हॉस्पिटल के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ और सभी डॉक्टर्स के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी डॉक्टरों का इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत गलत हुआ है और ऐसा किसी के साथ ना हो। इस बंदे की भी कोई माँ होगी, कोई बाप होगा, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, आप उनसे पूछिए कि उनके दिल से क्या गुजर रहा है। इस टाइम पे लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं जिसके घर में महतम मचा हुआ है, ये कहाँ जा रहा है दोस्तों? वीडियो को आप पहले देख लीजिए पूरा, उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। ये मत बताइए पैसा नहीं है, ठीक है? 7.5 लाख रुपए जमा किया जा चुका है, पैसा कहीं पैर में नहीं रख के आता है, क्या क्या गिरवी रख के आता है आपको पता है? उन्होंने बोल दिया था छोड़ने के लिए। भैया 1 लाख हम नहीं दे पाएंगे, वो कहां छोड़ देंगे? किसान है आदमी, वो किसान का बेटा है, वो कहीं लूट के नहीं लाएगा। कहां लाके मरते हैं? बात हो गया 4.5, बहुत देर से बात हो रही है। 4.5 लाख रुपए दे दिए, अब हम लोग कैसे घूम रहे हैं? हम लोग फटिया चूतिया 2 घंटे से घुमा रहे हो, तुम लोग 3 दिन से घुमा रहे हो। अब तो मैं बॉडी लेके जाऊंगा, हमें दिखा दो तुम्हारी औकात हो, जहाँ रखो मैं हाथ में हाथ से उठा लूंगा। बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? बॉडी है कहाँ? बॉडी हमारी आप दे दीजिए। चलिए चलिए, बॉडी लीजिए पहले, चलो बॉडी दिखाइए। चलिए हमारी बॉडी पहले आप दिखाइए, कहाँ है दिखाइए करके पहले। चलिए आइए, वीडियो बना रहे आप? हाँ। 55,000 फॉलोअर्स हैं, 2 मिनट में तुम्हारा मेदांता लखनऊ खत्म होगा, बता देना उसको। ये मेदांता अस्पताल है, चोर बैठे हुए साले यहाँ, ये चोर बैठे हुए आज पेशेंट को डट करके पैसा मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? पेशेंट को डट करके पैसा मांग रहे हैं। एक मिनट, 4.5 लाख एस्टिमेट बनाए थे, 14 लाख पहुंचा दिए, 3 दिन वेंटिलेटर पे डर रखे हैं, उसके बाद पैसा मांग रहे हैं, मैदानता है, ये मैदानता। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग के दिल से क्या गुजर रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग कमेंट करके अपनी राय देना, जो भी है जैसा भी है। आप सबको पता है, हमको आपको सभी को एक दिन इस दुनिया से जाना है, कोई पहले चले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है, अगर इंसानियत नहीं है समझ लो शैतान है, इंसान नहीं है। ये वीडियो देख के मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइज, ये मेदांता हॉस्पिटल है, इसकी सच्चाई पूरे इंडिया में जाना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।